संगी हो, अपन देख सकते हो हम लगभग गनियारी पहुंच चुके हैं। हम की उम्र में चालू करे हो, 30 साल तक सर्विस मेरे हैं। जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, मोर नाम है शिवम और कैमरा में भी मौजूद है पापा जी। और आप मन देख सकते हो ये गनियारी यहाँ से कत्ता दूर है। और गनियारी में रहते हमारे छत्तीसगढ़ के मशहूर कलाकार पंडवानी गायिका पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती तीजन बाई जी। और उनका घर हा गनियारी में हवे, तो हम मन आप मन गनियारी ले कर चलबो और ओकर से गोट बात कराबो, उनका घर दिखाबो। तो चलो आज की वीडियो शुरू करथन। अगर आप मन व्लॉग वीडियो देखना चाहते हो तो व्लॉग वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देवा था, वो आप मन नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। और मैं डेली व्लॉग फैमिली व्लॉग अपन देखे भर मिली संगी हो। आप मन देख सकते हो हम मन आगे रास्ता में जावा था बन, तो यहाँ से हम लेना है बे राइट टर्न। यहाँ से पास में ही है बे तीजन भाई जी के घर, हमारे दादी अम्मा। और हम मनोकर से जाबो मिलबो, बोर्ड बात करबो, आप सब चीज़ दिखाबो। संगी हो आप मन देख सकते हो हम मन अभी महाका खुर्द महावन और ये पास के यात्री प्रतीक्षालय। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है दादी अम्मा जी के गांव है, आप मन देख सकते हो। बहुत छोटे से प्यारा से गांव है ये गांव भी। अरे पास छोटे छोटे पप्पी मना खाना खावा था भी, आप मन देख सकते हो। संगी हो अपन देख सकते हो बहुत बड़े एरिया में कॉलेज बने हुए, कॉलेज हरे कहा। मैं सामने से आप मन जाग दिखाता हूँ, ये देख सकते हो बहुत मस्त प्लेग्राउंड भी बने हुए हैं। और एरिया देख सकते हो आप मन। और ये पास है एंट्री गेट। तो चलो अब हम मन आगे चलते हैं। यहाँ पास में ही है PSP, यहाँ चिमनी भी दिखाई दे, पता नहीं कैमरा में कैप्चर हुआ था कि नहीं, मुझे समझ नहीं आते। और ये देख सकते हो पास में पहुँच चुके हैं ना मन। संगी हो आप मन देख सकते हो गनियारी यहाँ से लगभग 1.40 किलोमीटर बचे हुए हुए। तो चलो हम मन चलते हैं आगे। संगी हो अपन देख सकते हो हम लगभग गनियारी पहुंच चुके हवन। संगी हो अपन देख सकते हो ये हरे दुकान और ये हरे दादी अम्मा जी के घर। मैं अंदर जाके भी दिखाऊँ अपन ला। संगी हो अपन देख सकते हो हम अभी घर में मौजूद हैं और अम्मा जी हमारे साथ में मौजूद है अभी। और आप मन देख सकते हो ये पास बहुत सारा जो भी प्रमाण पत्र वगैरह और सम्मान पत्र वगैरह अम्मा जी ने मिले है वे ये पास सब हावे। और अंदर में भी फोटो भी हावे और बहुत सारा अवार्ड भी रखे हैं, आप मन देख सकते हो। और ये साइड में भी हावे देख सकते हो आप मन बहुत सारा। तो चलो हम मन अम्मा जी सन माँ गोट बात करना शुरू करते ना। तो संगी हो हमारे साथ अभी मौजूद है छत्तीसगढ़ के मशहूर पंडवानी गायिका पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती तीजन बाई जी। तो हमर यूट्यूब परिवार के तरफ से और मोरगांव अरमरी खुर्द के तरफ से अम्मा तीजन बाई जी के बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अम्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये क्षेत्र में आओ तो आप कितना बछर के रहे हो समय इस क्षेत्र में? हाँ गायन के क्षेत्र में आओ। हम 13 साल के रू हम तब के आए। 13 साल के और उम्र है 13 साल के रही से तब सीखे हूँ। हाँ। अब वही अंतर्गत में मैं पंडवाने गाने शुरू करे हूँ। तो आप ला ये प्रेरणा कहाँ से मिली से? नाना जी के पास से। अच्छा यही गांव में गनियारी गांव में। तो सबसे पहली कार्यक्रम आप कैसे टाइप से चालू करे हाँ वो? सबसे शुरुआत था जनखुरी गांव में कार्यक्रम मोर हुई से। लगातार 18 दिन के पंडवानी गाए वहाँ। ओकर बाद घर आ गया। गणेश पक्ष में निकले हूँ तो अभी तक ले निकले हूँ। तो चलो प्रोग्राम चालू छे। अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हो? भारत के हर कोना में काम करे हूँ। एक बाद में पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मन, लंदन, टूनिशिया, माल्टा, साइप्रस, टर्की, बांग्लादेश, मॉरिशस, इटली, रमन सब जगह गए हूँ। अभी जापान ले आए हूँ। जापान से? हाँ लाख लगी से। हाँ अभी 4 महीना के बाद फिर मोर जाना है। तो इसे दौरा होते रही थे और जाता हूँ। अच्छा तो अभी हाल में कहाँ से आओ आप? अभी अभी कहाँ से आओ आप?
मैं हाँ जापान ले आया। जापान से भी अभी आओ। और जैसे कि कोई जगह में आपके भाषा हमारे भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पाए? नहीं समझे तो हम छत्तीसगढ़ी में काम करते हैं। नहीं तो ओ मतलब समझाए के लिए आप क्या करते? समझाए बार गाइड कर रही अरे थे ना। अच्छा गाइड करते कितना जरूरत है उमन? हाँ मोर बोली ला समझते हाँ उकर बोली में उमन हाँ गाइड करते। मतलब बाहर भी आपके शिष्य है ऐसे कहना? हाँ के जन हाँ आपके शिष्य बाहर में? बाहर हमारे सात जन जाता हम। अच्छा और तबला पेटी हारमोनियम रागी मैं सब जन ट्रिबो तबे तो कार्यक्रम हो ही। हाँ हाँ आगे के दुझन में थोड़े हो जाए। हाँ सही बात है। अभी आपकी उम्र का हुआ था बे? अब तुम्हारा अंदाजा हम कैसे लगा थे? 70 चला थे। अच्छा 78 ये दे नया साल ले लग गए। हाँ हाँ हम हाँ जब छोट छोट रहन तार कापी पुस्तक में आपके बारे में पढ़न आपके बारे में चर्चा हुए तो सुनन तो लगे कि हम मन हाँ देखते हैं अम्मा जी से मिलते हैं ऐसे करके। और आज वो समय आ भी गए कि मैं आपके पास आपके साथ बैठे हूँ बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अपन लड़का में अल्लाह कहाँ होगा एक दिन तुमन मोर इतिहास ल पढ़ू बेटा ऐसे की के मोर मरे के बाद में तुमन अपन मोर इतिहास ल पढ़ू ऐसे की कहा ते मोर जीते जी अति इतिहास लिखा दे। सही बात है। लगभग हम मना 6वीं 7वीं से कुछ में पढ़े हो बन आपके बारे में। तो ये आप है जो गायन के क्षेत्र में पढ़ाई वगैरह कुछ करे हाँ वो की? मैं पढ़े च लिखे नहीं हूँ अंगूठा छाप हूँ। नहीं वो मैं स्कूल गए च नहीं हूँ। तो पढ़ू काला नहीं तो नाना जी से कहानी भर सुने हो। हाँ हाँ बोला मैं अपन तरीका काम करे हूँ भाई वो तो ईश्वर और सरस्वती माँ की कृपा है। हाँ देकर सती बिना पढ़े लिखे अतका धुरिया जाना बहुत बड़ी बात होती। तो मैं नहीं पढ़ के पढ़े वैसे हो गए। वो पैद हमारे समय तो लड़की मतलब पढ़ाना जरूरी नहीं समझत रही। हाँ, हाँ, काबर कहा लड़की मन खाना बना ही खाना पका ही ओला सीख ये पंडवाने सीखे के मतलब नहीं। हाँ, तो ये मारा पिता करे ना मोर मम्मी तो उसने कही के बोले। तो मैं पढ़ाई ला उते मान नहीं कर सके काबर लड़का मती रहो तो लड़का कस काम करो। हाँ। अब पढ़ाई ला वहाँ तो पूरा समझे रहती हो तो सके थे मोर नाना है चले जातीस तो मोला सीखेल मिलती थी नहीं। तो भगवान प्रेरणा देते ना तेला अपन तरफ खींच लेते जो काम कराना है बोला। हाँ, ये ईश्वर की कृपा रही थी हमन कबो ना ये करबो वो करबो नहीं कर सकन जब ओकर मर्जी आते ना तभी होते काम। सही बात है। और जैसे कि आप तो इस क्षेत्र में आगे बढ़े हबो आप अपन साथ हो कोई ला अपन परिवार में? मोर परिवार में मोरे भी नाती सीखे थे। हाँ। और एक जना मैंने नाती पोता दोनों एक जना तबला मास्टर है अभी पाँचवीं पढ़ा थे इंग्लिश में तबला बजाते हैं। और बड़े पंडवाने सीखते थे बारहवीं पास है वह चार पाँच छः ठो स्टेज जब काम कर डरे। अच्छा अच्छा काम कर लेते हैं। अच्छा, इसे तो मोर चेला 270 है ते में मोर नाती गिनती है। अच्छा 270 में। तो आप एक बार ये बताओ हमारे दर्शक मल्ला कि आपके रहना कहाँ होते आपके गांव कौन से हरे आपके रहना कहाँ होते तेला एक बार बता दो। मैं हाँ जन्म तो मैं अटारी पाटन में जन्म धरे हूँ। हाँ हाँ यही अटारी पाटन। हाँ, में अब पले बढ़े हूँ ये ममियारो गांव है। तो मोर दाई अब मोर मौसी दू झन रही मोर नानी नाना के। हाँ, तो मौसी है एक लड़का के महतारी के बाद में वो चल पड़े बसीस। तो मोर मम्मी मैं ये नानी नाना कर अब बेटी के नाम में मुर्दाई भर रही। तो यहाँ दोनों ओकरो कुंदरा हमरो मन के कुंदरा एक जगह रहा है। अब छोटे कास्ट के आदमी हैं दे रहा जात एक गांव ले वो गांव ये गांव ले गांव जाने वाला। तो ज़्यादा तौर पे मैं गनियारीच में पले बढ़े हूँ जन्म हाँ अटारी पाटा ने। रहना मोर अभी है हाँ भाई। हाँ। अब ये घर ला हम मोर बाद में सब
में बनाए हूँ, लोग लेकर मन भर के खेती खलियान थोड़ा से ले हूँ, जीवन अपन करे भर तो कुछ करे चला ला। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ला तक पहुँचाना है हमार कर्तव्य रही से, और नहीं बता पाए। पेरिस में 8 बार गए हूँ, पेरिस सबसे ज्यादा गए हूँ। तो मोर ये कहना है कि सरकार आपके लिए का करीस, सरकार आपके लिए का करीस? अब वो बेचारा मन पद्मश्री पद्म भूषण विभूषण सब आर्ड दे है सरकार मन, और दे कमावत है तो सरकार मन का पर ये करे उगर मन के जितका दे करी थे ना वो अठारती उत्केल दे थे, आगे पीछे लत नहीं कर सके। अब मुला कोनो कही के दौलत लधरा दे तो ऐसे तो नहीं हो सके। तो भाई कलाकार के नाम शोहरत एला देख के अत्यंत खुश रही थे, मान सम्मान करते, वही हमार मन के पूंजी है, वही हमार मन के दौलत है, मान सम्मान है कलाकार के भाई। और आशा नहीं करे नहीं तो फलाना मिल ही ढिकाना मिल ही, काबर आशा कर भाई हमला स्टेज मिले थे वही काफ़ी है, कलाकार ला स्टेज चाहिए। और आप बीएसपी में भी काम करे? हाँ, बीएसपी में सर्विस कर रहे हूँ, 30 साल सर्विस कर रहे हूँ। 30 साल रिटायर होके दे 5 साल हो गए घर में आ गए हूँ। अच्छा ठीक। 30 साल के उम्र में मैं सर्विस कर रहे हूँ, 30 साल सर्विस कर रहे हूँ। 30 साल की उम्र में चालू करे हो, 30 साल तक सर्विस में रहे हूँ। काबार आदिवासी कोटा में कर सकते, अब अभी घर बैठ गए हूँ, रिटायर हो गए। रामा जी आप जैसे कि अभी के जो युवा पीढ़ी आते हुए और ये क्षेत्र में आगे बढ़ाते, कलाकार के क्षेत्र में आगे बढ़ाते, उकर मन के लिए का संदेश देना चाहो? अब हम यही संदेश देबो कलाकार जन जो कला में छे मतलब कदम रखे हैं, वो कला ला आगे बढ़ाए के प्रयास करे। हम यही प्रयास करबो कि कलाकार पंडवानी गाते तो पंडवानी ज गाओ, चेन्नई नहीं गात हो तो चेन्नई नहीं गाओ, नाचा करत हो तो नाचा ज करो, पड़के सुआ गावत हो तो पड़के सुआ गाओ, एक ठे क्षेत्र ला धर के चलो। तो कोनो कलाकार मन उहुल गाले थे उहुल गाले थे उहुल गाले थे, सबके काम ला एक जन कर ले थे, तो वो लोग कौन तरीका माने वो कौन तरीका कलाकारी की माने। मैं पंडवानी गाऊँ तो मोला पंडवानी गाते कि जानी, नाचा वाले मन सिर्फ नाचा कर ही तभी नाचा वाले की जानी, सुहा गाही तो एक तो सुहाज भल लगाही तभी बोला सुहा वाले गाही। तो ये तरीका पकड़ के वो काम लाए आगे बढ़ावा, एती तेती चौके मन, यही हमार कलाकार की जिंदगी है। अब यही हमारा आगे बढ़े के प्रयास है, ये मैं सब कलाकार ला ये बात के संदेशा देता हूँ, ये काम ला कर थे तिला पकड़ के जकड़ के करे, आगे बढ़े के प्रयास करे। ता हमार बहुत दिन के मोर चाह रही इसके आपसे मिलो ऐसा करके, और आज लगभग मिल भी गया, मोर बहुत खुशी हुआ था आपसे मिले हो। अब हम मन बचपन से आप मतलब देखा तावा था बन, हम मतलब लगते कि आप मन से मिलन और आप मन से गोट बात करन और सामने वाला तक आपके बात मतलब पहुँचान, आपके जीवन के चरिया ला पहुँचान, ऐसे करके एक चैनल खोले हाबो, वही माध्यम से मैं आज आपके पास पहुँचे हाबो। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमला इतना समय दे हो, अपन कीमती समय दे हो ते कर लिए। और नहीं महूला कष्ट है कि मैं आराम करत रहे हूँ, अपन आधा घंटे के पहले आके बैठे हो, मुला अच्छा नहीं लगे। नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है माँ, अब ये उम्र में काहे सब चीज़ देखे ला पड़ते, अब कैसे न एक कभी खाना पीना खा लूँ तो हाले आराम करे के थोड़ा मुरादा थी। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं 12 बजे सोए हूँ, 2 घंटा आराम करे हूँ, और आपको मैं ठीक नींद जाग जाते हैं, ज़्यादा पहले लगे नहीं, और 3 बजे 4 बजे तक आराम करा था, ऐसे नहीं है। अरे 2 घंटा 2.5 घंटा 1.5 घंटा आराम करूँ तो टूप लू, 2 बेर हो गए तो मतलब आवत हो, 1 बेर तो नहीं कर सके चल दे, और दूसरा आए हम तो सार्थक हो गए, यही बहुत खुशी की बात है। ये हो आप मन से मिला हूँ मैं अम्मा जिला, और गोट बात भी करूँ और घर के ब्लॉग भी दिखा हूँ। तो वीडियो कैसे लगी
वीडियो में कमेंट करके बताऊँ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करूँ, चैनल ला सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन ला दबा के आल में क्लिक कर लूँ, ताकि हमारे कोनो भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहली पहुँची आप मन तक। हम मन मिलथन आप मन से ही तर के दूसर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।